चालक श्री के सुदर्शन जी की अस्थियां हरिद्वार पहुंचने पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने योगपीठ परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। उनका इस धरती पर जन्म हुआ, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने चरित्र से इस राष्ट्र को गौरवान्वित किया और जिस तरह से आज तक अपने हम उन अध्यात्म धर्म, शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों के प्रति एक गहरी कृतज्ञता का भाव रखते हैं, क्योंकि उनके तप से, उनकी दीक्षा से, उनके बलिदानों से, उनके पुण्यों से आज हमें ये राष्ट्र मिला। सृष्टि के आदि काल से जैसे अनेक वीर वीरांगनों, ऋषि ऋषिकाओं ने तप किया और उसके फलस्वरूप आज हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और सभ्यता अक्षुण्ण है। एक अरब 96,88,113 वर्ष पुराना ये सांस्कृतिक वैभव कुछ महापुरुषों ने तप किया, उसकी बदौलत सुरक्षित है। उसी भारत की ऋषि परंपरा में उन्हें शांति धर्म, क्रांति धर्म और अध्यात्म धर्म महापुरुषों की श्रेणी में मैं श्री सुदर्शन जी को मानता हूं। वह एक मानव नहीं, महामानव थे, पुरुष नहीं, वो महापुरुष युग पुरुष थे। एक ब्राह्मण जैसा ब्रह्म तेज उनके भीतर था, वो अथाह ज्ञान के सागर, जिस भी संदर्भ में वो बात करते थे पूरी प्रामाणिकता गंभीरता के साथ अतीत के गौरव को अपने व्याख्यानों में साथ जोड़ करके और वर्तमान की पीड़ाओं से वो स्वयं उद्वेलित थे और लोगों के भीतर वो वेदना को जगाते थे और एक स्वर्णिम भारत के लिए सबको संकल्पित करते। ब्राह्मण जैसा उच्च ज्ञान और एक क्षत्रिय जैसा शौर्य और विश्व का एक ऐसा संगठन जिसकी का पूरी दुनिया लोहा मानती है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का कार्य ज्ञात इतिहास में संगठनात्मक रूप से संघने किया है, दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला। और इतनी बड़ी संस्था का प्रबंधन यहां किसी अति उच्च चेतना युक्त महापुरुष के ही मुद्दे की बात है, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही समावेश नहीं। जैसे अभी प्रोफेसर महावीर जी कह रहे थे, एक साधारण जन की तरह सेवा करने का भाव, चतुर्वर्णाश्रम धर्मों का संगम भाव के भी इतनी विनम्रता, इतनी उच्चता पाने के बाद भी स्वतंत्र योगपीठ में उनका कई बार आगमन हुआ। मैं इधर सभा में था, मंच पर बैठा हुआ, मैंने कहा सुदर्शन जी कहां, तो बोले साहब से पीछे बैठे। शायद अनिल जी से मैंने पूछा, तो मैंने उनको आग्रहपूर्वक ऊपर आमंत्रित किया। बात यहां नीचे ऊपर बैठने की नहीं, बात भाव की। और मेरा उनसे एक आत्मीय संबंध था, 2006 में पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन से लेकर के उससे पहले और उसके बाद में भी उनसे मेरा गहरा आत्मीय भाव रहा, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा। माने
संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख होने के बावजूद उनके आलोचकों की संख्या बहुत कम मिले, नगण्य। इतना विराट व्यक्तित्व यह प्रमाणित करता है कि उनके भीतर संतत्व का भाव बहुत गहरा था। और यह मैं नहीं, ऐसा मेरे समाज के वो प्रामाणिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी बहुत बड़ी भूमिका इस राष्ट्र में, वो मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते, ऐसा बहुत कम होता है। यह तो संघ की करीब 8 दशकों की एक गौरवशाली परंपरा है, और जिन जिन महापुरुषों ने संघ का नेतृत्व किया है, संघ के माध्यम से भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति को समुन्नत किया है, और संपूर्ण भारतीयों को जोड़ने का और सेवा का एक आदर्श स्थापित किया, उस परंपरा में सभी महापुरुष वंदनीय हैं। डॉक्टर हेटे वारजी से लेकर के और वर्तमान सरसंघचालक आदरणीय श्री भागवत जी, संघ की एक पावनी परंपरा रही, उसमें जहां एक बहुत ऊंचा आयाम संघ की परंपरा को श्रद्धेय गुरुदेव गुरु जी ने दिया, वो भी अपने आप में निराले ही थे। वर्तमान युग में वो ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि थे, और जैसे उन्होंने संघ में तपत्याग की और ब्रह्मचर्य की, संयम सदाचार और निष्काम स्वार्थ सेवा की एक बहुत ऊंची परंपरा था, और उनको लोग एक ऋषि के रूप में जैसे श्रद्धा रखते, ऐसे ही सुदर्शन जी के प्रति भी वो बहुत ऊंची आस्था लोगों के दलों में, और हरिद्वार वालों को तो उनका बहुत बहुत उनके दर्शन का मार्गदर्शन का सौभाग्य मिला। यद्यपि आश्रम व्यवस्था में मैं सन्यासी, मेरा एक सन्यासी का जो आदर करना चाहिए वो वैसे ही आदर करते, जबकि वो स्वयं एक सन्यासी, मेरे लिए तो वो पिता तुल्य इस रूप में कि उनका ज्ञान, उनका जीवन, उनका चरित्र भवत, लेकिन मुझ सही, जबकि आयु में वो आयु वृद्ध भी थे, ज्ञान वृद्ध भी थे, उनका बहुत बड़ा देश के लिए योगदान रहा, उसके बावजूद मैं देखता था कोई भी संत महापुरुष दिखाई दे सीधा उनकी जड़ों में प्रणाम करना, ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। तो ऐसे जिनके जीवन में ज्ञान की, भक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा रही, ऐसे महामानव की महानिर्वाण पर, महाप्रयाण पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और मात्र अपने ओर से नहीं, पतंजलि योगपीठ और भारत अभिमान के साथ जुड़े करोड़ देशभक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मातृभूमि को परम वैभवशाली बनाने के लिए अर्पित किया, उन सब कार्यकर्ताओं की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां ये सौभाग्य मिला। आज मैंने उनके महाप्रयाण पर जब दूरभाष किया, तब मैंने आदरणीय भागवत जी को कहा था कि जब इधर कार्यक्रम हो तो मुझे भी
यहां सौभाग्य मिले उसके लिए भाई अनिल जी से लेकर के पंकज जी तक सबने जो कोऑर्डिनेट करके यह आज सौभाग्य उपलब्ध कराया। आज मुझ सहित आप सब जो भारत और भारतीयता में गहरी निष्ठा रखते हैं और अपने ऐसे विशिष्ट स्वरूप अपने भारतीय जो गौरव पुरुष उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, इस महामानव को पुनः मेरा उनके महानिर्वाण और सृष्टि के आदिकाल से